इंडियन बेकरी बिजनेस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बिजनेस है। एनालिसिस के हिसाब से बेकरी बिजनेस 2026 तक 12.39 बिलियन डॉलर्स को हो जाएगा। सोचो मत, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ होते हैं। विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.5%, सही प्लानिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अच्छी मार्केटिंग के हेल्प से आप भी अपना एक सक्सेसफुल बेकरी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको बेकरी बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर आप भी अपना खुद का बेकरी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कई बेकिंग बिजनेस आइडियाज की बात करेंगे ताकि आपकी जर्नी बेकिंग बिजनेस में आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकरी बिजनेस आइडियाज। आप अपना बेकरी का बिजनेस कई तरीके से शुरू कर सकते हैं, जैसे बेकरी स्कूल, रिटेल बेकरीज, होलसेल बेकरीज, ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस, बेकरी कैफे एंड रेस्टोरेंट्स और कई अलग तरीके से। अब हम आपको डिटेल में हर बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाले हैं। जैसे बेकरी स्कूल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बेकरी करने में या फिर सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। आप इसको अपने पैशन के रूप में ले सकते हैं और उन्हें बेकरी करना सिखा सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग की डिग्री है या फिर आप रेगुलर बेकिंग करते हैं तो आप कई तरीके के वर्कशॉप्स, क्लासेस अरेंज करवा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो या फिर वो आपकी अपनी लोकेशन पर। रिटेल बेकरीज। रिटेल बेकरी में आप होलसेलर से खरीदे हुए बेक्ड गुड्स डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस साइज के हिसाब से आइटम्स और स्टाफ अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही लोकेशन पे बेकरी ओपन करनी होगी जिससे आपका मार्जिन हाई रहे। तीसरा, होलसेल बेकरी। अगर आपको अपना बेकिंग बिजनेस लार्ज स्केल पर स्टार्ट करना है तो आप सोच सकते हैं होलसेल बेकरीज का। यहाँ आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इन रिटर्न प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। अगर आपके पास बड़ी जगह है तो कुछ इक्विपमेंट और मैन पावर की मदद से आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कोई कमर्शियल किचन भी लीज पर ले सकते हैं। फोर्थ, ऑनलाइन बेकरी बिजनेस। बिना कोई शॉप आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हैं। अपने ब्रांड को रजिस्टर करके प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के साथ अगर आप अपना ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आपकी ग्रोथ 100% होगी। सही पेमेंट मेथड्स और डिलीवरी पार्टनर्स की मदद से आपको सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा कि आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करें। बेकरी कैफे एंड रेस्टोरेंट। आजकल बेकरी कैफे बहुत ही ट्रेंडिंग में है जहां आप यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली रिटेल शॉप्स होती है विद सेटिंग अरेंजमेंट्स। आपको सही एम्बियंस देनी पड़ेगी और अपने बेकिंग प्रोडक्ट्स के साथ अलग तरीके बेवरेजेस लाइक कॉफी, टी एक्सेट्रा भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनके अलावा भी आप स्पेशलिटी बेकरी, फूड ट्रक बेकरी, काउंटर सर्विस बेकरी जैसे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना बेकरी बिजनेस धमाकेदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। लोकेशन एंड लाइसेंस। बेकरी बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा स्टेप होता है लोकेशन को चूज करना, क्योंकि आपके ऑनलाइन बिजनेस के अलावा आपकी सारी सेल डिपेंड करती है आपकी चूज की गई लोकेशन पे। इसीलिए लोकेशन ऐसी चूज करिए जहां पर पहले से कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश बेकरी बिजनेस ना हो और जहां एंगेजमेंट ज्यादा हो, जैसे कि कोई मार्केट एरिया, रेसिडेंसी, जिसमें आपको मदद मिले अपना बिजनेस को और ग्रोथ देने में। आप चाहे तो छोटी जगह भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप शुरू में रेंट पे ले लेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से एक्सपांड कर लेंगे। आपको ओनर का एनओसी सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं जरूरी लाइसेंसेस की जो आपको ले लेना चाहिए बेकरी बिजनेस शुरू करने के पहले। जैसे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, उसके बाद एफएसएआई का लाइसेंस ले लीजिए, इसके बाद लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेल्थ लाइसेंस, पुलिस ईटिंग हाउसिंग लाइसेंस, फायर लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी अगर आप बिना कोई चिंता के बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको ये सारे लाइसेंस खुद अप्लाई करने हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। मशीन्स एंड मेन पावर। बेकिंग बिजनेस जैसे स्टार्टअप में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने सही इक्विपमेंट्स पहले से खरीद लिए हैं या फिर आप इंस्टॉल करने वाले हैं। एक अच्छे बेकिंग बिजनेस के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अपने बिजनेस कैपेसिटी के हिसाब से आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स और मशीन्स ट्राई कर सकते हैं और अपने बेकिंग बिजनेस में लगा सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल मिक्सर। बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़ता है और आप अपने यूज के हिसाब से कोई स्टैंड या फिर टेबल टॉप खरीद सकते हैं। हैवी ड्यूटी फूड प्रोसेसर या चॉपर, आप इसकी मदद से कई तरीके की रेसिपीज को प्रिपेयर कर सकेंगे। टर्न ओवर मशीन, इसकी मदद से आप डो को तैयार कर पाएंगे। स्लाइसर्स, आप इसके साथ लोफ्स और बैगल्स बना सकेंगे। कई यूटेंसिल्स जैसे कि रोलिंग पिन्स, डो रोलिंग मैट्स, आइसिंग ग्रिड्स, ओवन, पैंस, डोनट फ्रायर, हर तरीके के बेकिंग आइटम के लिए बहुत जरूरी होता है।
माइक्रोवेव्स आपके बिजनेस प्रोसेस को काफी बेहतर और क्विक बना देता है, इसीलिए आपको अपने किचन में इंक्लूड करना बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप कस्टमाइज बेक्स केक्स बनाने का सोच रहे हैं तो आप कई तरीके के डेकोर एसेसरीज को अपने बेकिंग बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर, ये अप्लायंसेस बेकिंग में आपकी बहुत मदद करने वाला है बिकॉज ये आपके प्रोडक्ट्स को इंग्रेडिएंट्स को फ्रेश रखेगा। ये तो बेकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स की बात हुई, इसके अलावा आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि ग्लव्स, एप्रन्स, फर्स्ट एड किट्स और सिंक्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप फूड कैफे या अपनी लोकेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सर्विस वेयर जैसे कि टेबल्स, नैपकिन्स एसेट्रा वो भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप सेकेंड हैंड मशीन्स भी शुरू में खरीद सकते हैं। इन मशीन्स के अलावा आपको शेफ, हेल्पर, सर्विस बॉयज की भी जरूरत पड़ेगी। बेकरी में फूड प्रेजेंटेशन और टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए आप अपने बेकिंग बिजनेस साइज के हिसाब से लोगों को हायर कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के अनुसार उन्हें सैलरी पे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलने वाली है बेकरी बिजनेस के लिए। आपको कई तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अगर आप अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप लोकेशन की बात करें और क्लाउड किचन पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसका रेंट मान के चलिए कि आपको 25,000 से 30,000 रुपए महीना पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक फुल फ्लेज्ड कैफे तैयार करना है, स्टार्ट करना है, तो उसका रेंट माइंड में रखना 1.5 लाख रुपए तक आ सकता है। बेकरी के लिए स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उसका बजट माइंड में लेकर चलिए कि वो 5 लाख से 10 लाख तक का आपको पड़ेगा। सारे लाइसेंस और परमिट्स के लिए आपको अप्रोक्स 30,000 का खर्चा मान लेना चाहिए। आपको अपने स्टाफ यानी मैन पावर को सैलरीज उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के हिसाब से देनी होगी। आपको बिलिंग के लिए POS सॉफ्टवेयर्स का खर्चा भी आएगा जो कि 30,000 प्रति महीना मान के चलिए। मार्केटिंग के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन चार्जेस पे करने पड़ेंगे जिसमें आपको 50,000 की कॉस्ट लग सकती है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा डिवाइड करके रखना चाहिए ताकि आप बिजनेस के डिफरेंट स्टेजेस पर उसको इनपुट कर पाए, ताकि अगर एक बिजनेस आइडिया फेल हो तो आप दूसरा आइडिया उसी वक्त इंप्लीमेंट कर पाए और आपका बिजनेस शट डाउन ना हो। क्या आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको मदद करने वाली है, जैसे कि PMFME स्कीम, PMKSY स्कीम, PLI SFPI स्कीम्स। अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में, इन इंसेंटिव्स के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया गया है, आप उन पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, चाहे आप अपनी बेकरी घर से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर आपने कोई आउटलेट लीज पर लिया है, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का सही यूज कर रहे हैं। अपने आइडियाज और प्रोडक्ट्स को सही कस्टमर्स तक पहुंचाना एक बिजनेस का मेन गोल होता है और इसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो कि आपको नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। आपकी बेकरी बिजनेस के लिए आपको सही ब्रांड लोगो का बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो डिस्प्ले बोर्ड भी अपने आउटलेट या फिर शॉप के सामने लगा सकते हैं जिसमें आपका लोगो, ब्रांड लोगो क्लियरली विजिबल हो। आपको अपने प्रोडक्ट्स का मेन्यू भी बना के रखना चाहिए जिससे आप अपने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कस्टमर्स को इजीली प्रोवाइड कर सके। आपकी बेकरी स्टार्टअप से पहले महीनों तक आपको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए जिससे आप सही कस्टमर्स तक पहुंच सके। आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट भी बना सकते हैं जिससे रीच बढ़े और आप अपनी लोकेशन, प्राइसिंग लार्जर ऑडियंस को पहुंचा पाए। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चैनल्स बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं जिस पर आप अपनी फोटोज, वीडियोस, अपने बिजनेस की पोस्ट करें और ऑडियंस को अपील करें, बिकॉज ऑडियंस इससे बहुत अट्रैक्ट होती है। आप चाहें तो फूड ब्लॉग्स भी बना सकते हैं जिसे आप वेबसाइट पर अपलोड कर पाए। आप ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, पर इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। सही मार्केटिंग के साथ एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो है आपकी क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स यू आर डीलिंग। बिकॉज अगर आपको लॉन्गर रन में सर्वाइव करना है, अपने बिजनेस को लार्जर स्ट्रीम तक एक्सपांड करना है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। आज अगर किसी भी बिजनेस को इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना है तो उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, और आज मैं कुछ ऐसे ही प्रिकॉशंस की बात करने जा रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने से पहले। पहला, किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते वक्त हमेशा दो चीजों का ध्यान रखें। पहला, क्या ये कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, और दूसरा, क्या ये दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर होने वाला है।
क्योंकि कस्टमर हमेशा बेटर प्रोडक्ट ही अपील करवाएगा और आपको अपना प्रोडक्ट बेहतर करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही लॉन्ग रन में टिकता है, इसीलिए जरूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी ही बनाएं। अपने बिजनेस को सेल करने से पहले आपको अपनी आइटम लिस्ट को तैयार रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी लिस्ट को तैयार रख पाएं और कस्टमर्स को उनके डिमांड के अकॉर्डिंग केटर कर पाएं। नए बिजनेस आइडियाज को सर्च करना और अपने बिजनेस को बेहतर बनाते रहना ही सक्सेस का सीक्रेट है। आपको हमेशा मार्केट को अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा और अपने कस्टमर्स की नीड्स को, टेस्ट को पहचानना पड़ेगा और उसको उसके हिसाब से ही कैटर करना पड़ेगा। आपको अपने डिजायर्ड इंग्रेडिएंट को प्रोडक्ट में डालना है या नहीं डालना है, इस पर पहले से सोचना होगा और अकॉर्डिंगली कस्टमर का वेलकम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो था पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस, पूरा बेकरी बिजनेस का एनालिसिस, जिससे आपको मदद मिलेगी अपना खुद का बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने में। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्वेंटरी और अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज करें, तो मैं एक बहुत ही अच्छा ऐप आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, जो कि आपको फोन में अभी के अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियो ऐप की, जो कि एक डेटा ऑर्गेनाइजर ऐप है, जिसे आप अपने फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको अपने फोन नंबर या गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, 10 में से प्रेफर्ड लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसमें आपको मिलेगी 20 से ज्यादा कैटेगरीज और 60 से ज्यादा इनबिल्ट टेम्पलेट्स अपना पूरा डेटा आसानी से मैनेज करने के लिए। पर्सनल डेटा हो या फिर प्रोफेशनल डेटा, आप इस ऐप में आसानी से मैनेज कर पाएंगे। यहाँ आपको शॉप कैटेगरी मिलेगी विद मल्टीपल कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स। आप अपने बेकरी बिजनेस से रिलेटेड हर चीज को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि कैश, उधार, अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, कस्टमर डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, शॉर्टलिस्टेड लोकेशंस, लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट नीडेड, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत कुछ इसके अलावा भी। लियो ऐप आप परफेक्टली मैनेज कर पाएंगे और अपनी इन्वेंटरी और स्टाफ के वर्किंग टाइमिंग्स को भी इसमें आसानी से नोट कर पाएंगे, और सब बस अपने फोन पर। आपको बस रिक्वायर्ड टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, डेटा को फीड अप करना है। आप चाहो तो खुद टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें फोटो, ऑडियो, रिमाइंडर इंसर्ट कर सकते हो, आप फाइल्स को व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी सेंड कर सकते हो और सेम शीट पर लोगों से कोलैबोरेट भी करवा सकते हो। लियो ऐप 100% सेफ और फ्री ऐप है, तो देर किस बात की है दोस्तों। आज ही लियो ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करें और अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज करना शुरू कर दें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।